नमस्कार, हमारे चैनल माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हमने बहुत अच्छा मीठा तैयार किया है, ये नारियल से बनाया है। आप रक्षाबंधन में इसी तरह घर में बनाएं, लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर का मीठा खाना तो जरूरी नहीं है। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, आप घर में ही मीठा बना लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, बाहर का ना खाएं और ये बहुत आसानी से बन जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमने दूध लिया है, आधी कटोरी शक्कर लिया है, आधी कटोरी खोया लिया है और ये नारियल, इस तरह का नारियल था सूखा नारियल, हमने ऊपर का छिलका निकाल कर इसको साफ कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको हम मिर्ची में पीस लेते हैं। ये नारियल हमने मिक्सी में पीस लिया है, आप देख सकते हैं ये जैसे मार्केट जैसा बुरादा बनकर तैयार हो गया है। अब हम ये कवर करेंगे बर्फी को ऊपर से, इसके लिए हमने ये बुरादा अलग रख दिया है। अब पैन गरम कर लेते हैं। ये नारियल का बुरादा इसी में डाल देते हैं। हल्का सा भूनेंगे। इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे। इसको हमने 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम आधी कटोरी दूध डाल देते हैं। हम शक्कर भी डाल देते हैं। ने जो शक्कर डाली थी अब घुल गई है, अब हम खोया डाल देते हैं। आप अगर खोया ना डालें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। खोया को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको चलाते रहेंगे बराबर। बर्फी के लिए हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद हम बर्फी बनाएंगे। गैस बंद कर देते हैं। ठंडा हो गया है, अब हम इसकी बर्फी बनाते हैं। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेते हैं। हमने बर्फी का ये आकार दिया है, आप चाहे तो जमा कर काट सकते हैं या गोल भी बना सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। और इस बुरादे में इसको कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मीठा बना है।
आप इसको घर में झटपट बना सकते हैं, बहुत आसान है ये और कम चीजों से भी बनता है। इसी तरह हम सारे बर्फी बनाकर तैयार कर देंगे। हमने सारा मीठा बनाकर तैयार कर दिया है, अब इसको हम गार्निश कर देते हैं। हमने ये मीठा गार्निश कर दिया है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और कम समय में भी तैयार हो जाता है। आप भी एक बार ट्राई करें। आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।